हेलो दोस्तों, हम और आप सभी लोग जींस तो पहनते ही होंगे। जींस का फैशन कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं हुआ और शायद ही आगे कभी होगा। यह एक ऐसी ड्रेस है जो हर मौके पर जच जाती है। जींस पैंट को आप किसी भी तरह के कपड़े के साथ मैच करके पहन सकते हैं। इन्हीं सब वजहों से आज बड़े स्तर पर लोग जींस पहन रहे हैं। जींस को हम पृथ्वी का सबसे ज़्यादा पहने जाने वाला कपड़ा भी कह सकते हैं और ये कहना गलत भी नहीं होगा। एक समय ऐसा भी था जब केवल कंपनियों में काम करने वाले मजदूर ही जींस पहना करते थे। हालांकि आज आम से लेकर खास ये सबकी पहली पसंद बन चुकी है। वैसे जींस से बने पैंट को देखकर मन में एक सवाल ये भी उठता है, इसके सामने वाली जेब में एक छोटी सी जेब क्यों बनी होती है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जींस के पैंट में छोटी सी पॉकेट बनने की वजह बताएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि जींस का आविष्कार खदान में काम करने वाले मजदूरों के लिए किया गया था। उस दौरान पॉकेट घड़ी का इस्तेमाल बहुत जोरों शोरों से चल रहा था। ऐसे में मजदूर घड़ी को इस छोटी पॉकेट में रखते थे ताकि टूटे नहीं। अगर पहली वाली जेब में रखते थे तो कुछ ना कुछ लग के वो घड़ी टूट जाया करती थी। धीरे धीरे ये छोटी पॉकेट जींस का अहम हिस्सा बनती चली गई। जींस बनाने की कंपनी लेवी स्ट्रॉस, जिसे हम लिवाइस के नाम से आज के समय में जानते हैं, सबसे पहले उसने इस छोटी पॉकेट को बनाया था, या फिर यूं कहें इस छोटी पॉकेट का आविष्कार किया। इस छोटी पॉकेट को वॉच पॉकेट भी कहते हैं दोस्तों। हालांकि अब कई लोग इस पॉकेट को कॉइन या फिर टिकट पॉकेट के नाम से भी पुकारते हैं। जींस की जेब पर लगे छोटे बटन के बारे में बात करें तो ये बटन भी मजदूरों को ध्यान में रखकर ही लगाई जाती है। बता दें कि मजदूर भारी भरकम काम करते थे, इसीलिए पॉकेट पर छोटे छोटे बटन लगाए जाते थे ताकि इनकी सिलाई मजबूत रहे और इसे लंबे समय तक इस्तेमाल में लाया जा सके। हालांकि इन छोटे बटनों को अब जींस का डिजाइन मान लिया गया है। आप सभी देखते होंगे कि अब जींस फटी भी आ चुकी हैं जो लोग फैशन में पहनते हैं, और ये फैशन काफ़ी फैल भी चुका है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही तमाम जानकारी पाने के लिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी ही जानकारी के साथ।